हाय फ्रेंड्स, अगर आप रिटायरमेंट प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक एग्जैक्टली यही है। हम डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट गोल्स के लिए किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसे यूथ और वर्किंग पॉपुलेशन दोनों ही सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं रिटायरमेंट को अभी बहुत टाइम है, जब होगी तब सोचेंगे। यही मंत्रा है जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपनी इमीडिएट जिम्मेदारियों पर फोकस करते हैं। लेकिन क्या होगा इफ़ इट्स एक्चुअली टू लेट? अगर आप रिटायर हो चुके कुछ लोगों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि काश उन्होंने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करना थोड़ा जल्दी शुरू किया होता। एक कहावत है कि सीखने का बेस्ट तरीका है अपनी गलतियों से सीखना, लेकिन दूसरों की गलतियों से सीखना उससे भी बेटर है। ये सभी यंग अर्नर्स के लिए एक लेसन है। पर जल्दी रिटायरमेंट प्लान करना ज़रूरी क्यों है? ये सवाल सभी यंगस्टर्स अक्सर पूछा करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। आज हेल्थ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को अपनी सोच से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। एक रिटायरी के लिए उसकी सेविंग्स का ख़त्म हो जाना एक डरावने सपने जैसा है। इसके अलावा सभी का अपने गोल्डन ईयर्स में किसी बीच पर मॉकटेल्स पीने का या कहीं पहाड़ों में आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां लेने का सपना होता है। साफ बात यह है कि कोई भी मरने तक काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन करना हो और अपनी विश लिस्ट को पूरा करना हो, वो भी तब जब कोई इनकम नहीं आ रही हो, तो प्लानिंग असेंशियल है। क्योंकि लाइफ में कुछ भी अपने आप या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट्स वाई यंग रहते ही रिटायरमेंट प्लान कर लेने से समय आने पर आप अपने आप को और अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। जल्दी इन्वेस्ट करने से कंपाउंड इंटरेस्ट को भी अपना मैजिक दिखाने का पूरा वक्त मिलेगा, क्योंकि टाइम सालों का नहीं बल्कि डेकेड्स का होगा। और ऐसे में म्यूचुअल फंड्स ही हैं जो आपके सबसे ज़्यादा काम आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स खरीदने की जल्दी करें, वी वुड एडवाइस कि आप पहले प्रॉपर रिसर्च करें कि आपके और आपके रिटायरमेंट गोल्स के लिए सबसे सूटेबल इन्वेस्टमेंट कौन सा है। फंड्स को सिलेक्ट करते समय आपको दो मेन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आपके रिटायरमेंट के लिए कितने साल बचे हैं, और दूसरा कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले रिटायरमेंट के लिए बचे हुए जो साल हैं उनको कंसिडर करते हैं। अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट जर्नी के अर्ली ईयर्स में हैं, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी लिमिटेड हैं, और अभी आपके सामने इनकम जनरेट करने के 30 या 40 साल बचे हैं, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छी पोजिशन में आ सकते हैं। और अगर आप उस एज ब्रैकेट में हैं जहाँ आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके पास सिर्फ कुछ ही साल की वर्किंग लाइफ बची है, तो इस केस में अपनी इन्वेस्टमेंट्स चुनते हुए ज़्यादा सावधानी रखना ही समझदारी है। अब रिस्क टॉलरेंस को समझते हैं। हर इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेंस और रिस्क लेने की कैपेसिटी दूसरों से अलग होती है। हमें अपने रिस्क प्रोफाइल को पहचान कर किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके रिस्क लेवल को हम टॉलरेट कर पाएं। इन दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए म्यूचुअल फंड्स तो बहुत तरह के हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए किस तरह का फंड बेस्ट है? इन्वेस्ट करने की शुरुआत और हमारे रिटायरमेंट की शुरुआत के बीच का जो टाइम होता है उसे अक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, और इस अक्यूमुलेशन फेज के दौरान एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, खास तौर से यंग अर्नर्स को। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जब बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आती है, तो सिर्फ एक ही एसेट क्लास ऐसी है जो हमें पैसा जनरेट करने और इस बढ़ते प्राइस इन्फ्लेशन से बचने में मदद कर सकती है, और वो है इक्विटी। अगर इसे SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ जोड़ दें, तो इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम सब जानते ही हैं ऑलरेडी, बट ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है?
रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के थ्रू स्प्रेड आउट होता है अलग अलग प्राइस पे, तब इन्वेस्टर को नैव यानी नेट एसेट वैल्यू के एवरेज से फायदा होता है। तो सवाल फिर उठता है कि रिटायरमेंट के लिए किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। अगर आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए प्योर अक्यूमुलेशन फेज में तेजी से इन्वेस्ट करना पॉसिबल है तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना कंसिडर करिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स में आपके पास कंपनीज में सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फ्रीडम होता है। इससे इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी ला पाते हैं जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव का इफेक्ट और ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। साथ ही साथ रिटायरमेंट का फंड भी तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर्स जरूरत पड़ने पर जब चाहें इन्वेस्टमेंट्स को स्मॉल या मिड कैप्स पर रिड्यूस भी कर सकते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को डाउनसाइड प्रोटेक्शन का फायदा भी मिलता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या वो लोग जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग देर से शुरू की है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। ये फंड्स डेट से जुड़े होते हैं जिससे कैपिटल इरोजन का रिस्क जो है वो कम हो जाता है और इक्विटी में इसके एक्सपोजर के कारण इन्वेस्टमेंट्स को लगातार बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा याद रखें कि सिर्फ स्टार रेटिंग या रीसेंट परफॉर्मेंस के बेस पर किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं होता। सो वी विल सजेस्ट कि अपने रिटायरमेंट के लिए इन दोनों में किसी भी कैटेगरी से फंड सिलेक्ट करने से पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लें कि उस फंड ने अलग अलग मार्केट साइकिल में कैसा परफॉर्म किया है, चाहे वो बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट। लाइफ के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से देखें तो हमें आज में जीना चाहिए। हर कोई यही एडवाइस करता है कि आज को खुल के जियो, बट बात जब फाइनेंशियल्स की आती है तो ये एडवाइस थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ती है। फाइनेंशियली फ्यूचर के बारे में पहले से प्लान करके रखना हमेशा बेटर होता है एंड एक सिक्योर फ्यूचर और बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी वाला बुढ़ापा पाने के लिए आपके पास एक रिटायरमेंट प्लान होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप अक्यूमुलेशन फेज के दौरान अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपका रिटायरमेंट प्लान सच में बुरा सपना बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कोई भी मरते दम तक काम नहीं करना चाहता, राइट? रिटायरमेंट के लिए कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी अवेलेबल हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ इन स्कीम्स से जोड़ना एक्चुअल में एक समझदारी भरा डिसीजन होगा। अपने अक्यूमुलेशन फेज में इन तीन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, इक्विटीज में इन्वेस्ट करना। सेकेंड, SIP के जरिए रेगुलरली इन्वेस्ट करना। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन रहना और उस पैसे को रिटायरमेंट के अलावा किसी और जगह खर्च नहीं करना। एक बार इस अक्यूमुलेशन फेज को सक्सेसफुली पार करने के बाद कंजम्पशन फेज यानी रिटायरमेंट के बाद के फेज में आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन तब तक आपको अपनी विकेट पर डट कर खड़े रहना होगा और टाइम टाइम पर खूब सारे रन बनाने होंगे, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले इस इन्वेस्टिंग की गेम में आपको अभी बहुत सारे ओवर्स खेलने हैं, है ना? इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें बताइए कि इस इन्फॉर्मेशन से आपने आज क्या नया सीखा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.